कोशर साहब, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये युद्ध अब दो हफ्तों से, लगभग तीन हफ्तों का हो चुका है और लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले का और सामने वाली सेना को नुकसान का दावा ये दोनों सेनाएं कर रही हैं। फिलहाल क्या आपका एनालिसिस? मेरा ये एनालिसिस है कि अभी ये लड़ाई एक डिसाइसिव फेज में पहुंच चुकी है। आज 19th दिन है इस लड़ाई का और कोई भी इतनी मजबूत फौज रशिया की वो इतना टाइम नहीं लेती है एक दूसरे अपोनेंट को ख़त्म करने के लिए। तो ये एक आपका एनालिसिस है, ये एक इंडिकेशन है कि ये एक डेलिब्रेट ऑपरेशन है और डेलिब्रेट ऑपरेशन में सीज वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं वो रशिया स्पेशलाइज करता है इस चीज़ में और उसने सीज वॉरफेयर का जो टेक्निक इस्तेमाल किया इस लड़ाई में। और बिल्कुल वो तो आप ठीक कह रहे हैं सर, कन्वेंशनल वॉरफेयर रशियन आर्मी ने कई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है लेकिन 19वें दिन भी अभी तक यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है। मेरे दाईं तरफ इतिहासकार डॉक्टर कपिल कुमार हैं जो लगातार हमारे साथ ऐसी चर्चा में जुड़ रहे हैं और समझा रहे हैं, बैकग्राउंड हमें बता रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई और अभी जो स्थिति है वो क्यों है। और साथ ही मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं, आप जरा समझाइए कि आज 19वां दिन है वॉर का और अभी भी कीव और खार्किव ये जो दो बड़े शहर है जहां पे सबसे बड़ा टारगेट है रशियन मिलिट्री का कि कब्जा किया जा सके, अभी तक कब्जा नहीं हो पाया है, किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं? देखिए कब्जा दो तरीका होता है, एक तो फिजिकल आप वहां पे हटा दे लोगों को, दूसरा है कि आप वहां पे कंट्रोल कमांड जमा दे वहां पे, उस तरीके का कब्जा। अब किस तरीके का कब्जा रूस वहां पे देख रही है। दूसरी बात है कि जो यूक्रेनियन लोग हैं वो गुरिला वॉरफेयर में माहिर हैं, छुप के वार करना, उनके टक्कर का कोई एक वियतनाम में था गुरिला वॉरफेयर और एक यहाँ पे मैं नॉर्थ ईस्ट में मैंने सर्विस कर चुका हूँ नागालैंड मणिपुर में, गुरिला वॉरफेयर बड़ा खतरनाक तरीके का वॉरफेयर होता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।